नम शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय। रानियों ने पूछा द्वारकाधीश से क्यों रो रहे हो, पत्र पढ़ लो। पत्र पढ़ा तो रानियों ने कह दिया क्यों चिंता करते हो। भीष्म पितामह ने जितनी एकादशी करी शायद दुनिया में किसी ने इतनी एकादशी नहीं करी। तो भीष्म पितामह ने जो एकादशी करी उसका पुण्य भीष्म पितामह को देना। क्या करना पड़ेगा? पितामह के लिए अर्जुन से कहो बाण छोड़े, पितामह के शरीर को वो बाण छुएंगे, लगेंगे, दुनिया को लगेगा कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर नहीं, पितामह ने जितनी एकादशी करी है वो सारी एकादशी बाण बनकर भीष्म पितामह को अपने हाथ पर झेल लेगी, उसको मरने नहीं देगी। जिसको इतने सारे बाण चुभे हैं उसको कितना कष्ट होगा, पर भीष्म पितामह का पूरा शरीर देखो, पूरी कथा देखो, भीष्म पितामह की महाभारत को उठाकर एक एक पर्व को पढ़कर देखना, उसमें भीष्म पितामह बड़े आनंद से बाणों की सैया पर पड़े। द्वारकाधीश पूछ रहे हैं मरते क्यों नहीं हो, दर्द नहीं हो रहा, कष्ट नहीं हो रहा? भीष्म पितामह कह रहे हैं मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं बाणों की सैया पर हूं, मुझे तो लगता है जैसे मैं मेरी माँ की गोद में सोया हुआ, मेरी माँ की गोद में सोया। एकादशी ने भीष्म पितामह को झेल कर रखा था। एकादशी शिव कथा कह रही है, कोई चिढ़ रहा है चिढ़ने दो, कोई अपशब्द कह रहा है कहने दो, कोई आड़ा टेढ़ा कह रहा है कहने दो, कोई कुछ भी बोले तुम्हें मतलब नहीं। देवराज नामक का ब्राह्मण अपशब्द कह रहा था, चिढ़ रहा था, चिढ़ रहा। एक बार कई कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि हनुमान जी महाराज शंकर भगवान का एक अंश स्वरूप है, एक अंश स्वरूप। पूरी शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, स्कंद पुराण को, मत्स्य पुराण को, कूर्म पुराण को उठाकर देखिए। एक बाणासुर का चरित्र और एक श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र बहुत सुंदर सुंदर। शिव का एक अंश माता अंजना के तप साधना से, शिव की प्रागट्यता और शंकर भगवान की प्रागट्यता से शंकर का स्वरूप प्रकट होना, ये इसीलिए तो कहते हैं शंकर सुमन केसरी नंदन। शिव का एक स्वरूप है हनुमान जी महाराज। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आप हनुमान जी का भी दर्शन कर रहे हैं तो ये अंदाजा लगा कर रखें कि आप शंकर का दर्शन कर रहे हैं, आप शंकर का दर्शन कर रहे हैं तो ये अंदाजा लगा कर रखें कि आप हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। सब एक, कोई भेद नहीं, सब एक, कोई भेद नहीं देवताओं में, कोई भेदता नहीं, सब में एक समान। भगवान कृष्ण ने गीता किसको सुनाई थी, जम के बोलो, युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने गीता किसको सुनाई थी, जम के बोलो, जरा आवाज आना चाहिए, किसको सुनाई थी? अर्जुन को। पक्का लाख कर दूं, पक्का है कि अर्जुन को गीता सुनाई थी? जिसने स्कंद पुराण का स्मरण करा हो, मत्स्य पुराण का स्मरण करा हो, उसमें संवाद मिलता है द्वारकाधीश के पास में जब अर्जुन पहुंचे, अर्जुन ने निवेदन करा कि आप मेरी ओर से युद्ध लड़ें, भगवान ने कभी जाओ मैं बुलाऊंगा तब आना। अर्जुन आए, हनुमान जी को भी बुलाया, अर्जुन हनुमान जी दोनों आए। द्वारकानाथ संध्या करने बैठ गए, उठे नहीं, तब दोनों अर्जुन और हनुमान समुद्र के किनारे घूम रहे हैं, दोनों घूम रहे हैं। अब अर्जुन और हनुमान दोनों समुद्र के किनारे पर घूम रहे थे, घूमते घूमते अर्जुन के मुख से निकल गया
तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा मैं राम का सेवक हनुमान, राम भक्त हनुमान। अर्जुन ने कहा वो राम जी जिन्होंने बंदरों से पत्थर फिंकवाए थे, सेतु बनवाया था तब पार उतरे थे, और मैंने सुना बड़े वीर योद्धा थे, वो चाहते अगर मेरे जगह पर मैं होता तो पत्थर फेंकने नहीं देता, एक बाण छोड़ता यहां से लेकर समुद्र के उस पार पुल बना देता। अर्जुन ने कहा मैं होता तो पुल बना देता, बाण छोड़कर यहां से लेकर वहां तक का एक पुल तैयार कर देता। हनुमान जी ने कहा तू पुल बनाता, मेरे जैसा एक बंदर लात रखता तो टूट जाता, तो पुल बनाता मेरे जैसा बंदर एक लात रखता बानर टूट जाता। अर्जुन ने कहा टूट नहीं सकता, और तोड़ दिया तो? अर्जुन ने कहा तू तोड़ के बता दे, मैं अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दूंगा पक्का। ठीक है तू बना पुल। अर्जुन ने बाण का पुल बना दिया, हनुमान जी ने जो पांव धरा तो सब टूट के चर्र करके सब टूट गया। जो टूटा तो अर्जुन समाधि में लीन होने के लिए लकड़ियां जमाने लगे, इतने में द्वारकाधीश आकर खड़े हो गए, अर्जुन क्या कर रहे हो? मैं हनुमान से हार गया इसलिए मैं शरीर को त्याग रहा हूं। अर्जुन तुम हनुमान से नहीं आ रहे हो, तुमने राम की निंदा कर दी।